हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव करियर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना डिग्री के इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बना जा सकता है इंडिया में। ये मुझसे बहुत ज़्यादा ही पूछा गया सवाल था एक, तो अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये एक स्किल बेस्ड करियर है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ मतलब डिग्री के थ्रू ही लेना है या फिर कोर्स करना ही है। इस फील्ड में काम जो होता है वो आपको आने चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, हिंदी में भी अवेलेबल है, स्किल बेस्ड करियर इन इंटीरियर डिज़ाइनर, उसको आप देख लो। और ये सब कुछ स्किल बेस्ड होता है, तो इसकी वजह से आपको मटेरियल के बारे में जानना पड़ेगा, ऑन साइट जो वर्क प्रोसेस होता है, एक के साथ एक कलर कॉम्बिनेशन, कलर थ्योरी, स्पेस प्लानिंग, ये सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी डिग्री मैटर नहीं करता है, उससे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आपने एक्सपीरियंस कितना, आपको क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं थेरोटिकली। तो क्या होता है, आपको आप ये हर चीज़ प्रैक्टिकली आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप कोर्स भी नहीं कर रहे हो, बस आपको आइडिया है इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है, आप उसके थ्रू एक इंटर्नशिप आप ज्वाइन कर लो कहीं पे भी, किसी भी आर्किटेक्चरल फर्म में या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके। हाँ, वो स्टार्टिंग में आपको कोई सैलरी नहीं देगा, स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है, अगर मिलता भी है तो आप ये सोच के जाओ आप सीखने के लिए जा रहे हो बिना किसी पैसे के, किसी के यहाँ सीखने के लिए जा रहे हो कि प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिलेगी। और क्लासेस तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, ऑनलाइन कोर्सेस मिलेंगे, ऑफलाइन कोर्सेस मिलेंगे, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो और मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक थेरोटिकल जो भी चीज़ें होती है। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी अगर आप खुद से अपना घर बनाना चाहते हो या फिर उसको रीफर्निश या रीडेकोरेट करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगी, हर चीज़ सिखाऊंगी। तो मुझसे भी सीख सकते हो, लेकिन बस उससे कुछ नहीं होगा, आपको ऑन फील्ड प्रैक्टिकल जो चीज़ें आप समझेंगे ना, उससे बेहतर आपको कुछ नहीं सिखा सकता, कोई और नहीं सिखा सकता। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। तो आपको लिटरली किसी के घर जाके या फिर किसी ऑफिस जाके वहाँ देखना पड़ेगा क्या है, कैसे चीज़ें बैठेंगी, क्या जो मैंने प्लान किया था वो सही लगेगा लाइव यहाँ पे, ये सब आपको पहले से एनालाइज करना है, ठीक है। तो जगह कितना है, कम तो नहीं पड़ेगा वो स्पेस जो मैंने बनाया है, तो इसमें आपको लेआउट की आइडिया होना चाहिए, स्केल के हिसाब से ड्राइंग करना आना चाहिए, बाय स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये सब चीज़ें, बेसिक प्लान सेक्शन सब कुछ बनाना आपको आनी ही चाहिए इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए। अगर ये सब कुछ आता हो और आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लेते हो तो आप इस फील्ड में ना सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 70% आपका जो लर्निंग होता है ना, वो आपका बाय प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जब आप इंटर्नशिप करोगे या फिर इंटर्नशिप में भी आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जहाँ पे आप पूरे अपने जो भी अपने जो भी काम किया है या फिर प्रोजेक्ट्स ऐसे एज अ कोर्स में बनाया है ना, उन प्रोजेक्ट्स को आपको दिखाना पड़ेगा। उसमें आपको मूड बोर्ड्स वगैरह दिखा के आप ऐसे सोचते हो डिज़ाइन के बारे में कह के किसी को दिखाना पड़ेगा जहाँ पे आप इंटर्नशिप ले रहे हो। और जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा ना, आपका पोर्टफोलियो भी अपडेट होता जाएगा। जैसे कि आपका पोर्टफोलियो में आगे जब आप प्रैक्टिकल कोई काम करोगे ना, वो भी एड ऑन होगा आपके पोर्टफोलियो में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बाद में काम मिलेगा। और काम मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा, इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत कम सैलरी होता है, लेकिन आप अपना खुद का फर्म खोल सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। शुरुआत में मुश्किल होगा, नहीं बोल रही हूँ, बट एक बार आपका नाम सेट हो जाए तो आप लिटरली बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत लोग आपको हायर करेंगे। आपको बस ध्यान रखना चाहिए कि
कैसे चीजों को सोचना चाहिए और कैसे आप क्रिएटिवली इफेक्टिव हो सकते हो और उनके क्लाइंट्स के जो बजट है उस हिसाब से आप कैसे उनको बेस्ट डिजाइन दे सकते हो, ठीक है? और इस अगर आप ये सब मुझसे सीखना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मैं आगे बहुत सारे वीडियोस लेके आ जाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया तो प्लीज लाइक करो, प्लीज शेयर करो बहुत लोगों को जिनको भी जरूरत है उनके लिए। और मैंने काफी सारे इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में भी अवेलेबल है, जाके उनको चेक करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और मेरे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो प्लीज जाके चेक करो। यहाँ पे स्किल्स लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम स्पेस प्लानिंग के स्किल्स से आगे बढ़ते हुए कैसे डेकोरेट करना है, उनके टिप्स ट्रिक्स सब कुछ जानेंगे, ठीक है? मेरे कोर्स ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा आपको, फ्री है बिल्कुल। अब बस यूट्यूब में सर्च करके मुझे सब्सक्राइब कर दो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।